अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी सरकार प्रदेश में नई नई योजनाओं की सौगात दे रही है। चुनावी दस्तक के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति समीकरण को बैठाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जाति समीकरण के दांव पेंच के क्रम में आज जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के निचलौल ब्लॉक प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जन मोर्चा जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री मिथिलेश कुमार पहुंचे। फिर जो भी वहां हुआ इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। पहले तो जिला स्तरीय कार्यक्रम में बहुत कम लोग आए और जो आए भी वे कार्यक्रम से उठकर चले गए और कुर्सियां खाली की खाली रह गई। बताया गया कि जब दर्जा प्राप्त मंत्री ने मंच से बोलना शुरू किया तो लोग उठकर जाने लगे। कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में सजाई गई थी कुर्सियां पर कोई बैठा ही नहीं। सबका साथ सबका विकास कर रहे एसटीएससी आयोग के कार्यक्रम में कुर्सियों का खाली रहना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वैसे भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी व अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को अहम मुद्दों पर घेरा है, उसके बाद से प्रदेश में हवा का रुख बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।